आज हम कहानी सुने, कौन सी कहानी? गुड़िया की रोटी। सबको अच्छी लगती है ना? क्या कहानी सुनना है या रोटी खाना? और रोटी खाना अच्छा नहीं लगता? लगता है ना? चलो आज हम कहानी भी सुनेंगे और रोटी भी खाएंगे, ठीक है? एक थी गुड़िया, है ना। गुड़िया ने रोटी बनाई और रोटी बना के थाली में रख दी। तुम्हारी मम्मी भी तो थाली में देती है रोटियां, ऐसी उन्होंने थाली में रख दी। इतने में एक कौआ आया और उसने वो रोटी उठा ली और उठाकर पेड़ पर जाकर अपने घोंसले में बैठ गया। फिर क्या हुआ? बुढ़िया बोली, अरे मैंने तो एक ही रोटी बनाई थी और इसको भी कौआ ले गया, अब क्या करें। वो दौड़ी कौए के पीछे, दौड़ते 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 पेड़ के पास गई। तो कौआ तो ऊपर बैठा था, अब ऊंचाई पर हाथ नहीं जाता ना, तो उसने पेड़ से कहा कि पेड़ भाई, पेड़ भाई, इसका घोंसला गिरा दो। तो पेड़ बोलता है कि भाई मैं इसका घोंसला क्यों गिराऊं, कौए ने मेरा क्या बिगाड़ा है। जब तक कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, आपको कोई परेशान नहीं करता, तब तक आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। कोई परेशानी नहीं करोगे तुम उसके लिए। तो पेड़ बोला, भाई मैं इसके घोंसले को क्यों गिराऊं, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं तो नहीं गिराऊंगा। बुढ़िया परेशान सोचने लगी अब क्या करना चाहिए। सोचते सोचते सोच फिर बोलती, हाँ पेड़ को नुकसान पहुंचा सकता है लकड़हारा। बुढ़िया गई लकड़हारे के पास, लकड़हारे से बोलती है, लकड़हारे भाई, लकड़हारे भाई, उस पेड़ को काट दो। लकड़हारा बोला, क्यों? कि देखो कौए ने मेरी रोटी ली है, रोटी लेके उस पेड़ पर बैठ गया, अब पेड़ उस कौए की कौए का घोंसला नहीं गिरा रहा है, तो अब आप पेड़ को काट दोगे तो उसका घोंसला गिर जाएगा, मेरी रोटी मुझे मिल जाएगी। लकड़हारा बोला, नहीं, पेड़ ने मेरा क्या बिगाड़ा है, भाई पेड़ ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं तो उसको नहीं काटूंगा, मैं नहीं काटूंगा। लकड़हारे ने मना कर दी। अब बुढ़िया बोली, अब क्या करना चाहिए। फिर सोचने लगी, सोचते 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 बोलती, हाँ याद आया, अब मैं जाती हूँ चूहे के पास, है ना। बुढ़िया गई चूहे के पास, चूहे भाई, चूहे भाई, इस लकड़हारे के कुल्हाड़े का बेटा होता है ना बेटा, इसको काट दो। चूहा बोला, क्यों, मैं क्यों काटूं, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं नहीं काटूंगा। बुढ़िया फिर परेशान बोली, क्या करना चाहिए। फिर सोचती है, चूहे की कौन बिगाड़ सकता है, बिल्ली। वो जाती है बिल्ली के पास, बिल्ली बहन, बिल्ली बहन, इस चूहे को मारो। बिल्ली पूछती है, क्यों? भाई कौआ था, कौआ मेरी रोटी ले गया, वो पेड़ पर बैठ गया, पेड़ ने घोंसला नहीं गिराया, मैंने लकड़हारे से कही, उसने कुल्हाड़ी से उसको नहीं काटा, मैंने चूहे से कहा कि इसका बेटा काट दो कुल्हाड़ी का, तो चूहे ने नहीं काटा, अब तुम अगर चूहे को मारोगी तो फिर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो बिल्ली बोलती है, नहीं मैं ऐसे नहीं मारूंगी इसको, भाई मैं क्यों मारूं, चूहे ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं तो नहीं मारूंगी। बुढ़िया फिर परेशान सोचने लगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? वो जाती है कुत्ते के पास, कुत्ते भाई, कुत्ते भाई, तुम इस बिल्ली को मारो। कुत्ता बोला, क्यों? कि भाई इसने मेरी रोटी दिलवाने में मदद नहीं की। कुत्ता बोला, अच्छा ये बात है। तो फिर कुत्ता दौड़ता है बिल्ली को मारने के लिए, बिल्ली को डर लगा। बिल्ली बोली, अरे नहीं, अब तो चूहे को मारना चाहिए। बिल्ली गई दौड़ के और चूहे के ऊपर झपटी, है ना। फिर क्या हुआ, चूहे चूहे को भी डर लगा। चूहा बोला, अच्छा अब तो इस लकड़हारे का कुल्हाड़े का बेटा अब काटना ही चाहिए, वरना मुझे मार देगी बिल्ली। वो गया फटाफट से दौड़ा 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 चुपके से उसके बेटे को काटने लगा। लकड़हारे को डर लगा, बोलता है, अरे ये तो मेरी कुल्हाड़ी को काट देगा तो मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, भाई लकड़हारा तो लकड़ी काटकर ही पैसा कमाता है, तो मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, सोचने लगा। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने गया। पेड़ बोला, अरे ये लकड़हारा तो मुझे काट देगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा तो ये इसके घोंसले को ही गिरा दूं। पेड़ ने सोचा और उसके कौए के घोंसले को गिराने लगा। अब कौए को भी डर लगा कि भाई मेरा घर नीचे गिर जाएगा तो मैं कहाँ रहूंगा। तो कौए ने तुरंत बुढ़िया की रोटी छोड़ दी और बुढ़िया को रोटी मिल गई और बुढ़िया वापस खुशी खुशी अपनी रोटी लेकर घर आ गई, ठीक है। योगिन, तुम्हारी मम्मी तुम्हें रोटी देती है खाने के लिए और तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें परेशान करता है और तुम्हारी थाली में से रोटी लेके चला जाए, तो तुम क्या करोगे? मम्मी से शिकायत करोगे, तुम भी मम्मी से शिकायत करोगी, दोनों मिलके शिकायत करना, है ना। बड़े भाई की खूब अच्छी सी पिटाई लगेगी, है ना।
फिर मम्मी क्या करेंगी, रोटी को दिलवा देंगी और फिर तुम पेट भर के खा लोगे। बच्चों अभी देखो योगेंद्र ने और नारायण ने, अमीषा ने, आप सब ने यही कहा कि आपको रोटी मिलेगी और कोई तुमसे ले जाएगा तो किससे शिकायत करोगे, मम्मी से। अच्छा अब हमें दिखाएं कि गुड्डे गुड़िया इस कहानी को कैसे करती हैं। दिखाएं गुड्डे गुड़िया, सब देखेंगे ना, सब देखेंगे ना। अच्छा अब ये बताओ मुझे, सबसे पहले गुड़िया कैसे चलती है, डंडे से, ऐसे लाठी टिका टिका के, है ना। तो देखो अब आती है बुढ़िया, है ना, बुढ़िया आई 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 आ गई। देखो चल रही है ना लाठी टिका टिका के, आई ना, सबके पास आ रही है ना बुढ़िया। तो ये है बुढ़िया और इसने क्या बनाई, रोटी। बुढ़िया ने रोटी बनाई और रोटी बना के इस थाली में ऐसे रख दी, ठीक। अब फिर बुढ़िया तो ऐसे बैठ गई ना रोटी बना के, ऐसे बैठ गई कि अभी मैं खाऊंगी इस रोटी को। फिर इतने में ही कौआ उड़ता हुआ आया, आया काँव 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 करता हुआ, कैसे काँव 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 करता हुआ आया और फटाफट से उसने रोटी चोंच में दबाई और दबा के जाके अपनी पेड़ के घोंसले पर बैठ गया। अब बुढ़िया सोचे कि क्या करूं, बुढ़िया आई और पेड़ से शिकायत करने लगी, पेड़ भाई पेड़ भाई इसके घोंसले को गिरा दो। पेड़ बोला क्यों गिराऊं भाई, इसने मेरी रोटी ले ली है तो क्या हुआ, खाने दो। बोले नहीं भाई मेरी एक रोटी है। पेड़ बोला नहीं मैं नहीं गिराऊंगा, इसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। बुढ़िया परेशान क्या करूं, सोचती रही सोचती रही, फिर गई वो लकड़हारे के पास। लकड़हारा क्या रखता है अपने पास, कुल्हाड़ी। देखो ये आया लकड़हारा, कौन आया, ये लकड़हारा कुल्हाड़ी है ना इसके हाथ में, है ना। अब देखो बुढ़िया कह रही है इससे, लकड़हारे भाई लकड़हारे भाई उस पेड़ को काट दो। लकड़हारा कह रहा है क्यों क्यों काट दूं। बुढ़िया कह रही है भाई वो कौआ मेरी रोटी ले गया ना, तो वो रोटी नहीं दे रहा है, पेड़ उसको घोंसले को नहीं गिरा रहा, इसलिए तुम उसको काट दो। लकड़हारा कह रहा है नहीं मैं नहीं काटूंगा, क्यों मैं क्यों काटूं, उसने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं तो नहीं काटूंगा, कहीं और जाओ। भाई लकड़हारे ने तो मना कर ही दी। अब बुढ़िया सोचती है किसके पास जाऊं, बुढ़िया गई चूहे के पास। चूहे से बोली चूहे भाई लकड़हारे के कुल्हाड़ी के बेटे को काट दो। चूहा बोला नहीं मैं नहीं काटूंगा, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं नहीं काटूंगा। सही। अब बुढ़िया फिर परेशान, बोलती अब क्या करूं, सोचने लगी, सोचते गई वो बिल्ली के पास। बिल्ली से बोली बिल्ली बहन इस चूहे को मारो। तो बिल्ली बोलती है नहीं मैं नहीं मारूंगी, चूहे ने मेरा क्या बिगाड़ा है। बुढ़िया फिर परेशान हो गई, अब क्या करूं, बिल्ली को कौन परेशान कर सकता है। तो वो जाती है कुत्ते के पास। देखो कुत्ता भी है ना ऐसे ऐसे दौड़ दौड़ के आ रहा है, अपनी गली में दौड़ रहा है वो, है इधर से बुढ़िया आ रही है, कुत्ता आ रहा है दौड़। अरे कुत्ते भाई सुनो क्या हुआ, देखो वो बिल्ली है ना मेरी रोटी नहीं दिलवा रही है। अच्छा ये बात है, रुको मैं बिल्ली को अभी भगाता हूँ। तो कुत्ता दौड़ा बिल्ली के पीछे, बिल्ली चूहे के पीछे, चूहा दौड़ा कुल्हाड़ी काटने के लिए। लकड़हारा को डर लगा, वो आया पेड़ काटने, ये काट रहा है। भाई पेड़ को डर लगा, बोला नहीं ऐसे मत काटो भाई, मैं कौए के घोंसले को गिरा देता हूँ। कौए को डर लगा, उसने कहा नहीं नहीं रुको अपनी रोटी ले जाओ। बुढ़िया आई और तुरंत उसे अपनी रोटी वापस मिल गई, उसने उसको थाली में रखा और पेट भर के खा लिया। कहानी अच्छी लगी बच्चों? अच्छी। तो अच्छा अब ये बताओ कहानी में तुम्हें क्या क्या अच्छा लगा, चूहा अच्छा लगा या बिल्ली अच्छी लगी या कुत्ता अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? कुत्ता अच्छा, सबको कुत्ता अच्छा लगा। अच्छा देखो मैं है ना ये पेपर दे रही हूँ, कागज दे रही हूँ, है ना, इस कागज पर चित्र बनाना। तुम्हें जो भी अच्छा लगा इस कहानी में
चाहे वो कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे बुढ़िया है, चाहे रोटी है, चाहे कौआ है, कोई भी है ना, उसका चित्र बनाना। और चित्र बनाने के बाद नाम लिखना अपना, है ना, और उसके बारे में भी लिखना कि क्या करना है, क्या कह रहा है ये चित्र में, ठीक है। ये सब काम हम करेंगे।